कांग्रेस के साथ जाएंगे हनुमान बेनीवाल। नागौर सीट पर होगा आरएलपी का उम्मीदवार। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार तय करने और जीत के समीकरण साधने में जुटी कांग्रेस नागौर लोकसभा सीट। खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की पार्टी के बीच गठबंधन होने की ज्यादा संभावना हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के बीच गठबंधन का फार्मूला भी तय हो चुका है। ये रहेगा फार्मूला। फार्मूले के तहत कांग्रेस 24 सीट पर चुनाव लड़ेगी और नागौर की एक सीट आरएलपी को देगी। नागौर सीट पर आरएलपी अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारेगी। बेनीवाल नागौर के साथ ही पाली व बाड़मेर की सीट पर मांग रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से हुई मुलाकात में वो अपनी मांग पर अड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि इसके बाद कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया के साथ ही विधायक महेंद्र चौधरी, चेतन डूडी और इस्पाल मिर्दा के समझाने पर बेनीवाल केवल नागौर की सीट पर ही तैयार हो गए। इस सीट से बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। नागौर की राजनीति में खलबली, नागौर की राजनीति में इस घटनाक्रम से खलबली मच गई है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक नागौर की सीट बेनीवाल को देने के विरोध में भी है, लेकिन फिलहाल कोई भी खुलकर नहीं बोलने का प्रयास कर रहा है। इस गठबंधन के बाद से नागौर से टिकट की दावेदारी ज्योति मिर्दा को तगड़ा झटका लगा है। ज्योति मिर्दा नागौर से 2009 में सांसद रह चुकी हैं। वह 2017 में मोदी लहर के चलते हार गई थी। इस बार भी शुरुआती दौर में ज्योति मिर्दा का टिकट पक्का माना जा रहा था। हालांकि नागौर के अधिकांश कांग्रेस विधायक व पदाधिकारी उनका विरोध कर रहे हैं। ज्योति भाजपा के चंपक में। उधर भाजपा में भी वर्तमान सांसद व मंत्री सी आर चौधरी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ज्योति मिर्दा ने अपने पारिवारिक सूत्रों के जरिए भाजपा के संपर्क साधना शुरू कर दिए हैं।